टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एसएचएम का टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इन एसएचएम या टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड कैसे ढूंढना है. फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे पेंडुलम का. प्लीज ध्यान से समझो. ओके, ये है हमारा पेंडुलम. इस पेंडुलम को मैं छोटा सा डिस्प्लेस करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस, हाँ बहुत बड़ा नहीं. ऐसे नहीं जाएगा वो पेंडुलम, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे 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 जाएगा पेंडुलम. एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा, करेक्ट. तो क्या ये पेंडुलम एसएचएम करेगा ऐसे? हाँ, दिस विल परफॉर्म एसएचएम. पहले तो प्रूव करो कि एसएचएम करेगा, और अगर एसएचएम करेगा तो फिर उसका टाइम पीरियड ढूंढ के निकालना होगा. यस, दूसरा हम बोलेंगे कि लेट्स टेक अ यूट्यूब. यूट्यूब प्लीज ध्यान दो बच्चों. ओके, यूट्यूब कुछ ऐसा रहता है. हाँ, ये हो गया हमारा यूट्यूब. इसमें हम एक लिक्विड ले लेंगे कोई भी, और इस लिक्विड को यहां से प्रेस करके डिस्प्लेस कर देंगे. तो ये एक बार अगर मैं एक साइड से प्रेशर लगा दूं तो डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर आएगा, और फिर छोड़ दो. छोड़ देने के बाद ये ऐसे 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 थोड़ा एसएचएम करेगा. हाँ, क्यों? जब ये एसएचएम करेगा तो इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है. डिटेल में डिस्कस करेंगे. नंबर थ्री बच्चों, अर्थ है. ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. अर्थ के अंदर मैंने अगर एक टनल बना दिया, अर्थ के अंदर मैंने अगर एक टनल बना दिया और एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर यहां से छोड़ दिया ऐसे, अर्थ के अंदर एक टनल बना करके एक ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां पर इस टनल के अंदर एसएचएम करेगा? और अगर एसएचएम करेगा तो करेगा, तो उसका टाइम पीरियड बताओ. नंबर फोर, यस, ये यूट्यूब के बदले हम वी ट्यूब ले लेंगे. ऐसा वी शेप का ट्यूब लेंगे. यस, और मान लो ये इधर थीटा वन एंगल बनाएगा, इधर थीटा टू, इसके अंदर लिक्विड ले लिया. ये लिक्विड एसएचएम करेगा, करेगा तो इसका टाइम पीरियड बताओ. सो सारे एसएचएम का हम लोग को टाइम पीरियड देखना है. नॉट जस्ट दैट, उसके बाद हम लोग लेंगे पेंडुलम और इसका एंगुलर एसएचएम करवाएंगे. एंगुलर, अब ये थोड़ा बड़े एंगल पे घूमेगा, या रादर ऐसे गोल घूमेगा, कैसे भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी. उसका एसएचएम निकालना है आपको. फिर उसके बाद में कोई भी एक रिजिड बॉडी होगी, कोई भी एक बॉडी ले लो रैंडम शेप की, है ना, इसको आप ऐसे डिस्प्लेस कर दो, यहाँ पर पिवोट कर दो ऐसे और डिस्प्लेस कर दो, तो बॉडी ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह जाएगी, तो उसका एसएचएम बताना हो. फिर उसके बाद में आपको उसके बाद में और क्या होता है, और एक होता है क्या, That's it, काफी है ना. इन सब चीजों का आपको एसएचएम का टाइम पीरियड बताना. और भी कोई रहेगा, या बार मैग्नेट. क्या आप लोगों ने मैग्नेटिक नीडल देखा है? वो मैग्नेटिक नीडल ऐसे 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 वाइब्रेट करता है कभी कभी, है ना, फ्लक्चुएट करता है. एक जगह पे है, आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो वो ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, करेक्ट. तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा. एसएचएम परफॉर्म करेगा तो बोलेंगे उसका टाइम पीरियड बताओ. Thanks, तो पहले तो प्रूव करो टाइम कि SHM है तो फिर टाइम पीरियड, करेक्ट. तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग SHM? वन बाय वन शुरू करते हैं. तो पॉइंट ये था ये सब बताने का कि अगर आपको एक जनरल मेथड समझ में आया और पेंडुलम समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, करेक्ट. तो धीरे धीरे एक समझो. एक नहीं समझा दूसरा नहीं समझेगा तो तीसरे में कंफ्यूजन होने लगेगा. सो मेक श्योर स्टार्टिंग से अच्छे से समझ रहा है. एकदम आराम से बताऊंगा, जहां जो चीज नहीं समझी वहीं पे पूछ ले. ओके, चलो. एसएचएम कब होता है? एक तो ऑसिलेशन है, बराबर. ऑसिलेशन एसएचएम कब बनता है? व्हेन इट इज ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप, मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू वन. अगर नेट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स, अगर आप ये चीज प्रूव कर दो तो वो हो जाएगा एसएचएम, ठीक है. अगर ये चीज प्रूव हो जाए कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, अगर प्रूव हो गया तो वो हो जाएगी एसएचएम, ठीक है. चलो आ जाओ, लेट्स टेक अ पेंडुलम. अच्छा, जनरल स्टेप्स टू प्रूव.
Steps to find time period. Step number one, find the mean position. ध्यान दो, सब सिखाऊंगा आराम से. Find the mean position. Mean position. ठीक है. Number two, yes. Mean position पर ऑब्जेक्ट को रख के उसको एक धक्का मार दो छोटा सा. Displace the object. Displace the object by a small distance x. Small distance x from mean position. From mean position. यही steps follow करने हैं. आज का session, कल का session सब इसी पे चलेगा. Okay? Displace the object by a small distance x. Very important. This distance is small distance x from the mean position. उसके बाद step number three. Find f net in the new equilibrium position. अच्छा. Find the mean position मतलब कौन सा position? Where the object is in equilibrium. Where the object is in equilibrium initially. ठीक है. फिर f net is equal to minus kx at the new position. At new equilibrium. सब बताता हूँ. Don't worry. At new equilibrium. Step number four. Time period is equal to 2 pi by omega होता है. 2 pi upon what is omega बच्चों? Omega is k by m बराबर. Omega is k by m. तो ये हो जाएगा 2 pi under root m by k. ठीक है. यहाँ से k की वैल्यू उठाओगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे. Substitute the value of k. Substitute value of k from step 3 to step 4. From step number 3 to step number 4. यहां से k की value उठाओ, यहां डाल दो, आपको time period of SHM मिल जाएगा. आ जाओ. First, time period of a simple pendulum. अब पहली चीज जो आप इसमें अज्यूम करने वाले हो छोटी सी, वो ये है. अच्छा, ये है पेंडुलम. ग्रेट. ये होता है पेंडुलम का लेंथ l. इस पेंडुलम का मास है m, मतलब बॉब का मास. ये जो स्ट्रिंग होती है उसको हम मासलेस अज्यूम करते हैं. तो पहला अजम्पशन, स्ट्रिंग इज मासलेस. स्ट्रिंग इज मासलेस. वेरी गुड. दूसरा, जब मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूंगा, है ना, x इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है. x स्मॉल होने से क्या हो जाएगा बच्चों? x स्मॉल होने से ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, है ना. एंड इट विल बी एज गुड एज लीनियर SHM. ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा. देखो, दो अलग अलग चीज है. एक ऐसे वाइब्रेट होना, यू शेप में ऐसे जा जाकर बॉब वाइब्रेट करेगा, SHM करेगा, वो नहीं चल रहा है यहाँ पे केस. यहाँ पे लीनियर, आपने उसको बस धक्का मार दिया तो वो पेंडुलम जगह पे ही ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. और अगर वो जगह पे वाइब्रेट कर रहा है तो वो SHM में ये प्रूव करना है. सो हम बोलेंगे कि ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. देखो, ये डिस्प्लेसमेंट x बहुत छोटा है, इसे डिस्प्लेस करूंगा मैं उसको, ये बॉब यहाँ तक आएगा. करेक्ट. ध्यान दो, ये बॉब यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा मेरा x. This x is very small, theta is very small. बच्चों, जब theta is very very small, so theta is equal to sin theta हो जाता है. When theta is very very small, theta is equal to sin theta होता है. और इस वजह से ये linear SHM भी हो जाएगा. Linear SHM मतलब ऐसे. Angular SHM मतलब ऐसे. At a particular angle जा रहा है, है ना. सो थीटा बड़ा हो जाएगा एंगुलर SHM में. यस, फिलहाल लीनियर SHM होगा. ये समझ में आया और सबको ये समझा गया कि लीनियर SHM क्या है? एवरीबॉडी एक्साइटेड है? यस सर. यस सर. तो अब इसकी कहानी को शुरू करते हैं. यहाँ ध्यान दो, ये सारे हमारे अजम्पशंस थे. ओके, अब हमने लिया ये पेंडुलम, इसका मीन पोजिशन बताएंगे मुझे. ये तो इसका मीन पोजिशन है. सो स्टेप नंबर वन, फाइंड द मीन पोजिशन. तो बच्चों, ये हुआ इसका मीन पोजीशन. स्टेप नंबर टू, मीन पोजीशन पे जाकर के छोटा सा धक्का मारो एक्स डिस्टेंस. अभी के लिए मैं इसको बड़ा बना रहा हूं ऐसे. ठीक है, अभी के लिए मैं इसको बड़ा बना रहा हूं, जूम करके बनाया ऐसे मान लो. बट दिस एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल.
इस पोजीशन पर देखो क्या किया हमने, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस x. नाउ वहां पर f नेट फाइंड करो, फाइंड द फोर्स नेट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. बताओ यहां पे जरा नीचे की तरफ इसका वेट mg, mg. ये एंगल थीटा, तो इधर की तरफ mg cos थीटा. बच्चों mg cos थीटा क्या रहेगा? वेरी गुड, है ना. और इधर की तरफ mg sin थीटा. वेरी गुड. इधर की तरफ ऊपर की तरफ टेंशन, टेंशन है ना. तो देखो टेंशन ने बैलेंस कर दिया किसको? टेंशन ने बैलेंस किया mg cos थीटा. यस, टेंशन ने mg cos थीटा को बैलेंस किया, करेक्ट. और क्या इसका मोशन इधर या इधर हो रहा है? नहीं, मोशन तो इधर हो रहा है. तो मुझे बताओ F नेट कितना हो जाएगा? इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा. sin थीटा इज द नेट फोर्स. यस, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg थीटा. mg थीटा क्यों? अरे हमने बोला ना sin थीटा इज इक्वल टू थीटा क्योंकि बहुत छोटा है. एंड थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल. ये एल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. यस, तो अगर मैं इसको ऐसे देखू, ऐसे छोटा सा आर्क अगर मैं यहाँ बना दू. यस, मैथ्स में पढ़ा है ना, कितनी बार ऐसे पढ़ा है. बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है. एज गुड एज ए स्ट्रेट लाइन. करेक्ट, दिस इज एल, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा. तो मुझे बताओ थीटा क्या हो जाएगा? यस गाइस, एक्स बाय एल. क्या ये तीनों भी कॉन्स्टेंट है? जी हाँ, मास भी कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है और एल भी कॉन्स्टेंट है. सो फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, प्लीज ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट था इधर की तरफ और मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है इधर की तरफ, इसलिए मैं यहां लगा देता हूं एक माइनस साइन. और दिस इज एज गुड एज एफ इज इक्वल टू के एक्स, है ना. यस, वेयर इन दिस पर्टिकुलर केस के इज इक्वल टू एम जी बाय एल, है ना. यहां माइनस साइन लगा देता हूं. माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यहां लिख दूं क्या? बार बार नहीं लिखूंगा, पहली बार लिख रहा हूं. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. यस, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. सिंपल, करेक्ट. तो यहां से मुझे के क्या मिला? इन दिस पर्टिकुलर केस के इज इक्वल टू एम जी बाय एल. बहुत अच्छा. स्टेप नंबर लास्ट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट. देखो यहां पर लास्ट स्टेप, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k. m बाय k डाल दो k की वैल्यू, 2 पाई अंडर रूट. स्टेप 3 से k की वैल्यू उठा करके यहां पे डालेंगे, m अपॉन k की वैल्यू mg बाय l. m से m कटेगा. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g. And that is my time period of simple pendulum. This is my time period of simple pendulum. Simple pendulum का time period. सब बच्चों को समझ में आया? Go through it आप सभी. Everybody go through it. So this is the time. अब ये याद रखना पड़ता है. You have to remember this formula. T is equal to 2 pi under root L by G. मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? P is equal to 2 pi under root L by G. मतलब time period is directly proportional to the length of the pendulum. Pendulum के length को directly proportional है. तो इस पे कितने simple questions आ जाएंगे? इस पे questions आएंगे ऐसे. T1 by T2 is equal to under root L1 by L2. Yes, एक pendulum है, उसका time period दिया रहेगा, उसका length दिया रहेगा. दूसरे पेंडुलम का लेंथ दिया रहेगा, बोलेंगे इसका टाइम पीरियड निकालो, इसके न्यूमेरिकल्स आप खुद से बनाओ. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ पेंडुलम. यस, कि भाई टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. दूसरा, क्या मैं बोल सकता हूँ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी? हाँ, मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल
The time period of a pendulum on earth and the time period of a pendulum on moon. ये same pendulum, ये एक pendulum है. इसको मैं change नहीं करूँगा. ऐसे के ऐसे उठा करके मून पे लेके जाऊंगा, ऐसे के ऐसे उठा करके मून पे लेके जाऊंगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो भैया उसका टाइम पीरियड हो जाएगा ग्रेविटी ऑन मून अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ. यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यस, बताओ मुझे व्हाट इज ग्रेविटी ऑन मून? इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ. वेरी गुड. ये घटा अंडर रूट 1/6. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी. This is the second law. ठीक है. अच्छा, अब इस पे कैसे questions आते हैं? अरे थोड़े छोटे छोटे चीजें बता देता हूँ. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में डिस्कस हो. ओके, चलो आ जाओ. और एक चीज, लेंथ. लेंथ से रिलेटेड यहीं पे नोट्स में, मतलब आपको नोट्स काम में है इसलिए यहीं पे लिखते थे. राइट, मान लो यहाँ पर एक स्विंग है. स्विंग के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, बैठा हुआ है. बच्चा इज सिटिंग ऑन द स्विंग. करेक्ट, और यही बच्चा इस स्विंग के ऊपर खड़ा हो गया. यही बच्चा इस स्विंग के ऊपर खड़ा हो गया. तो बताओ टाइम पीरियड में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? ये स्विंग झूल रहा है, छोटा डिस्टेंस, मानो आप थीटा छोटा है मान के चलो ना, ये स्विंग झूल रहा है, ये स्विंग झूल रहा है 2 डिग्री वगैरह वगैरह. राइट, शुरू में वो बैठा है, शुरू में बच्चा इज सिटिंग. यस, यहाँ सिटिंग है, यहाँ स्टैंडिंग है. ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे चेंज करेगा? हाउ विल द टाइम पीरियड चेंज? यस, एनीबडी. अब ये बच्चा खड़ा हो गया. ओके, बैठा था, खड़ा हो गया. चल, एनीबडी. देखो अब इस बच्चे का हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये बच्चा बॉब है. बॉब, ये बॉब, इसको बॉब बोलते हैं ना, बॉब, BOB. Yes, ये बच्चा मेरा बॉब है और ये मेरा लेंथ है. लेंथ ऑफ द पेंडुलम. देखो ये सेंटर ऑफ मास इस बच्चे का यहाँ पे रहेगा. इस बच्चे का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ द बच्चा. तो ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब बच्चा खड़ा हो गया तो यार इतना तो सबको पता है ना, बच्चा खड़ा हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा. यस ऑर नो गाइस? यस और नो बच्चों? पक्का. yes, इस बच्चे का सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा तो इस बारी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा. करेक्ट, तो मेरा लेंथ तो छोटा हो गया. तो अगर वो खड़ा हो जाए तो लेंथ रेड्यूसेस, लेंथ रेड्यूसेस. और अगर लेंथ रेड्यूस हो गया बच्चों तो टाइम पीरियड भी रेड्यूस हो जाएगा. हाँ कि नहीं? टाइम पीरियड भी रेड्यूस हो जाएगा. रेड्यूस हो जाएगा मतलब स्विंग फास्ट हो जाएगा. हाँ कि नहीं बच्चों? स्विंग फास्ट हो जाएगा. क्या आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि खड़ा रह के स्विंग फटाफट जाता है? या सो दिस इज द रीजन. बच्चे रहते ना खड़े रह के स्विंग लेते फास्ट हो जाते. यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड 4 सेकंड का है तो धीरे धीरे जाएगा. टेंग इधर 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 सेंटर में 4 सेकंड लग गया, इधर 2 सेकंड लग गया. राइट, सो स्विंग फास्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज हो रहा है. क्या सारे बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. यस सर. थर्ड लॉ. टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब. मास ऑफ द बॉब. यस, अरे देखो ना यार, कहां पे बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला में मास है क्या? नहीं. मतलब इस स्विंग पे मोटा बच्चा बैठ जाए तो भी सेम, और पतला बच्चा बैठ जाए तो भी टाइम पीरियड सेम रहेगा. कोई टेंशन नहीं, मास का कोई टेंशन नहीं. एंड फोर्थ, time period does not depend on amplitude. Yes, please ध्यान से समझो. If provided the amplitude is small, provided amplitude is small. मतलब देखो गाइस, क्या आप लोगों ने वो एक स्विंग आता है ऐसे,
यस ऐसे ऐसे जाता है, पहले ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और फिर इधर ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है, फिर पूरा उल्टा हो जाता है लिटरली, है ना। कौन बच्चे बैठे हैं क्या उसमें, इमेजिन का में है ऐसा? यस सर, पूरा उल्टा हो जाता है, पूरा उल्टा। तो जब तक देखो, अगर ये पूरा उल्टा हो गया मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल केस लेते हैं, गाइस प्लीज ध्यान दो, है ना। ये मैंने पहले भी क्लास में बच्चों को बताया है, यस ये पेंडुलम, इसको मैं यहां से ये गया एक दो एक दो एक दो आ गया, अब यहां से छोड़ू तो भी एक दो एक दो, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया ना हमने, काफी बढ़ाया है राइट, तो भी दो सेकंड में आ रहा है वापस, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही बड़ा एम्पलीट्यूड कर दोगे तो दो सेकंड में वापस नहीं आएगा, राइट। सो प्रोवाइडेड द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अगर आप स्विंग को थोड़ा सा और लंबा ऐसे कर दो थोड़ा सा, तो भी दो सेकंड का टाइम पीरियड, दो सेकंड का ही टाइम पीरियड रहता है। क्या सब बच्चों को ये चीज समझ में आई? एवरीबडी सिंपल पेंडुलम, है ना। इसको लॉ ऑफ आइसोक्रोमिज्म बोलते हैं, लॉ ऑफ आइसोक्रोमिज्म, लॉ ऑफ आइसोक्रोमिज्म, ये वाला, ये वाला, हाँ। फिर ये है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है पेंडुलम से रिलेटेड। ऑल ओके, सॉर्टेड, कंफर्टेबल, गो थ्रू इट, आगे बढ़ते, जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार, हो जाए तो बताओ। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, करू आगे बढ़ू, हो गया, इजी है ना, इजी, यस यस Yes, फॉर्मूला को बच्चों में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ केसेस लिखता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट। यस फर्स्ट इसको मॉडिफाई करके मैं लिख रहा हूँ T is equal to 2 pi under root L by G effective। या G effective क्या होता है, आ जाओ केस नंबर वन, एक का डेरिवेशन थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी सब डायरेक्ट हो जाए। मान लो ये है एक लिफ्ट और लिफ्ट के अंदर लटका है एक पेंडुलम और इस पेंडुलम का बॉब का मास है m, इसको आप डिस्प्लेस करते हो और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सीलरेशन a, ठीक है। तो क्या होगा, तो यार ये बॉब मीन पोजीशन से x से डिस्प्लेस किया, ये यहां पर आ जाएगा, करेक्ट। अब इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ, एक तो पहले नीचे की तरफ mg एक्ट हो रहा है, वेरी गुड। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैं लिफ्ट के अंदर जाकर के बैठ जाऊंगा और इस पर एक सूडो फोर्स एमए नीचे की तरफ लगा दूंगा, मतलब अब इसके ऊपर दो फोर्सेस नीचे की तरफ एक्ट हो रहे हैं, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे मैं इस पे देखूं तो एम इंटू ए प्लस जी एक्ट होगा, एम ए प्लस एम जी, ये एंगल है थीटा, छोटा सा एंगल, तो यहाँ पर बताओ यहाँ पर हो जाएगा एम इंटू ए प्लस जी cos थीटा और बच्चों यहां पर हो जाएगा m into a plus g sin थीटा, कोई दिक्कत। और यहां पर टेंशन t, टेंशन t इसको बैलेंस करेगा, f net कितना बनेगा, f net बनेगा m into a plus g sin थीटा, sin थीटा is equal to थीटा होता है, m into a plus g into थीटा, yes। और सेम वे में थीटा is equal to x by l होता है, तो मैं बोलूंगा m into a plus g into x by l which is equal to m into a plus g by l into x, right, and this is my value of k, f is equal to minus kx, और यहां से मुझे मिलेगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव, मेरा हो जाएगा a plus g। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई, एवरीबॉडी समझ? यस 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 यस, ग्रेट, है ना। तो इस केस में अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। केस नंबर 2, यही पेंडुलम अगर लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ए से,
तो ऑब्वियस ही बात है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन यस g माइनस a तो ये हो जाएगा g माइनस a. कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर. मतलब डेड फॉल अगर हो जाए, खटाक से डेड फॉल हो जाए अगर, तो क्या होगा? तो भैया नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसी का स्पेशल केस नीचे की तरफ आ रहे हैं. तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस जी विच इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जीरो. ये तो नॉन डिफाइंड है या प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है? या प्रैक्टिकली इनफाइनाइट. अरे समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट? यस सर. एग्जैक्ट जीरो नहीं है, मान लो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, 0.00001 है, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी L upon 0.00000005. It will be a huge value, infinite. मतलब time period infinite है. Time period is infinite. मतलब what is time period? The amount of time taken to complete one oscillation. मतलब वो एक oscillation भी complete नहीं करेगा. Complete नहीं करेगा मतलब क्या होगा पता है? अगर आप इसको ऐसे displace कर दो, please ध्यान दो. बच्चो, please ध्यान दो. आप अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दो और लिफ्ट नीचे टूट के गिर जाए तो ये पेंडुलम ऐसे के ऐसे नीचे आएगा. यस, ये ऐसे था, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये इसी पोजीशन में नीचे की तरफ गिर जाएगा. ये एसएचएम करेगा ही नहीं. टाइम पीरियड इनफाइनाइट मतलब नो एसएचएम. यस, जिस पोजीशन में उसको काटा गया है उसी पोजीशन में वो नीचे गिर जाएगा. क्या सबको इस पर से समझ में आ रहा है क्या थोड़ा? यस यस. इसको ये पेंडुलम है मेरा. यस, इसको मैंने, ये पेंडुलम है, इसको मैं ऐसे कर दूं और अब लिफ्ट गिर गई नीचे तो ये ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगा. यस, ये ऐसे ऐसे नहीं करने वाला, ये ऐसे ही सीधा सीधा नीचे आएगा. अच्छा, फर्स्ट केस में टाइम पीरियड बढ़ रहा है घट रहा है? फर्स्ट केस व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, टाइम पीरियड बढ़ रहा है घट रहा है? यस बच्चों, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा. अरे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी. टाइम पीरियड कम हो गया मतलब फास्ट हो जाएगा आपका. यस, वो जो पेंडुलम है वो फास्ट फास्ट वाइब्रेट करने लगेगा जल्दी जल्दी. इन दिस केस बताओ टाइम पीरियड, यस जी माइनस ए, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा. टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. और अगर ए जी के बराबर हो गया तो टाइम पीरियड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया उसका एस एच एम इतना स्लो हो गया कि एस एच एम ही नहीं हो रहा है, वो अपने जगह पे वापस ही नहीं आएगा कभी, ऐसे के ऐसे नीचे गिरेगा. क्या सब बच्चों को सारे केसेस क्लियर है? गो थ्रू इट, मैं इसलिए आराम से शांति से गो थ्रू. तीन केस हो गए. अब मान लो कार है, प्लीज ध्यान दो, ये ट्रक है, ये है एक ट्रक, ट्रक के अंदर है एक पेंडुलम और ये ट्रक जा रहा है आगे, विद एन एक्सेलरेशन ए. दो केसेस और बताना. ये ट्रक जा रहा है आगे विद एन एक्सेलरेशन ए, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव. यस गाइस, व्हाट इज जी इफेक्टिव? अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो हैव अ लुक एट दिस पेंडुलम. ठीक है, इस पे एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है जी, और पीछे की तरफ मैं इसके ऊपर एम ए लगा दूंगा. हाँ कि नहीं? यस yes, yes, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एम जी नीचे की तरफ और एक मैं सुडो लगा दूंगा उसके ऊपर. मैं अंदर जाकर के बैठ जाऊंगा और अंदर जाकर के मैं उसका मोशन ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे तो लगेगा कि मुझे किसी ने पीछे ढकेला. हाँ कि नहीं बच्चों? शॉर्ट में बता रहा हूं.
कार चालू होगी, मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे ऊपर किसी ने तो पीछे फोर्स लगाया, सूडो फोर्स किसी ने लगाया था, किसी ने नहीं, इनर्शिया का फोर्स है तो ma, बहुत अच्छे। तो इसके ऊपर देखो अभी नेट एक्सीलरेशन कहां पे एक्ट कर रहा है, नेट एक्सीलरेशन राइट। इसको देखो एक एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ, एक एक्सीलरेशन इधर, तो जी इफेक्टिव यहाँ पे होगा। टेल मी हाउ मच इज जी इफेक्टिव, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L upon, what is the value of G effective guys? Come on. Under root A square underscore A square plus G. Under root A square plus G square, है ना? Which is A square plus G square raised to half. तो मैं यहाँ लिखूँगा A square plus G square raised to half. क्या सब बच्चों को समझ में आया? कोई doubt है क्या? Come on. No sir. No sir. एकदम sorted है. No doubt. एकदम sorted. है ना? So, ये चीज आपको समझनी होगी कि कार आगे की तरफ, कार या ट्रक, ट्रक इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड विद ए, विद एन एक्सेलरेशन ए। अच्छा वही चीज, यही ट्रक है लेकिन अब कर्व्ड रोड पे है, एक कर्व्ड रोड है ठीक है। इस कर्व्ड रोड पे ये ट्रक ऐसे जा रहा है इधर, है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसके अंदर भैया एक पेंडुलम, इसके अंदर एक पेंडुलम। अभी ड्रॉ कैसे करूं उसको, ऐसे ड्रॉ, ऐसे है एक्चुअली पेंडुलम पे ऐसे खड़ा है, एक्चुअली तो पेंडुलम ऐसे खड़ा है ना, इसके अंदर एक पेंडुलम। ग्रेट, अब ये टर्न करने वाला है, अब ये ऐसे टर्न कर रहा है ऑन अ कर्व्ड रोड, तो मुझे बताओ इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से। एक तो इसके ऊपर एक्ट करेगा एसी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, which is nothing but v square by r, v square by r, पक्का पक्का, very good, yes। और एक इसके ऊपर नीचे की तरफ g act हो रहा होगा, these are the two forces acting on it। तो भैया इसके ऊपर ac है इधर की तरफ, तो मैं उसके ऊपर एक pseudo force लगा दूंगा, centrifugal हम क्या बोलते हैं, उस frame में जाके बैठ जाओ और बाहर की तरफ, सब कुछ centrifugal से हमने solve किया है, yes। तो ये आया मेरा पेंडुलम, मैं बाहर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगा दूंगा, एम ए लगा रहा हूं मैं, बट अभी के लिए ए सी लिखा, और नीचे की तरफ जी, तो भैया मेरा जी इफेक्टिव कहीं तो इधर की तरफ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, यस एवरीबॉडी, यस सर। व्हाट इज जी इफेक्टिव, यस सर, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो ये हो जाएगा v ac square, है ना, तो ये हो जाएगा v raise to 4 upon r square, सही बात, plus g square, so time period is equal to 2 pi under root l upon ये g effective is this, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो v raise to 4 upon r square plus g square raise to half। देखो यार अब ये फॉर्मूला लर्न करोगे क्या, नहीं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग सिर्फ सूडो फोर्स से काम कर रहे हैं यार। अच्छा ये कार इधर चलेगी, और ये पहली बार नहीं है तो बहुत बार कर चुके हैं, है ना, परफेक्ट। यहाँ ऑलमोस्ट पेंडुलम के सारे केसेस खत्म, ऑलमोस्ट, चलो गो थ्रू दीज टू ऑल्सो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। अब एक छोटी सी चीज और देखो, ये चीज हम दोबारा एंगुलर में करेंगे तब भी करने वाले, ओके, ध्यान दो अच्छे से, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये तो हर लीनियर मोशन में एप्लीकेबल है, वेरी गुड। लेकिन अभी अभी हमने तो ये भी देखा कि जब एस एच एम है तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाता है, बहुत अच्छे, तो हम बोलेंगे एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, a is equal to, bacho what is this, yes, what is omega this? Square. Omega square minus omega square x minus omega square x, aur ye to humko pata hi hai na yaar, acceleration is equal to minus omega square x hota hai, are ye to humko pata hi hai, yes, acceleration is minus omega square x hota hai, bahut acha। ab kya yahan se main ek aur cheez bol sakta hu fir, अच्छा यहाँ से हमको क्या क्या पता है, ये तो पहले से ही पता था वैसे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। अब यहां से देखो के बाय एम क्या होता है, वन मोर थिंग, यहां से k
K by M is equal to A by X. हाँ, मॉड ले लेता हूँ. नेगेटिव साइन बच्चों सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा था. सो क्या K by M की वैल्यू A by X के बराबर है? Yes, K by M की वैल्यू A by X के बराबर है. So time period is equal to 2 pi upon omega. What is this term? This is acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement. ना? X क्या था? छोटा सा displacement. So A by X क्या है? Acceleration per unit displacement. Right? Acceleration per unit displacement. What is omega? Omega is K by M होता है. बच्चों, what is omega? Under root K by M. यहाँ लिख दो ना, omega is equal to under root K by M. Now, what is omega? K by M. K by M is equal to A by X. K by M is equal to A by X. तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? 2 pi upon under root A by X. ये हो गया मेरा एक और फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, जरूरत पड़ सकती है. क्या है ये? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. बोलो, समझ में आया क्या सबको? कुछ नहीं, इधर yes, का उधर का मैनिपुलेशन किया हुआ है. Acceleration, time period is equal to 2 pi upon acceleration per unit displacement. Mod इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ से वैसे इसकी value negative दिखती. Negative तो सिर्फ sign के लिए था. Go through करो. हमने बोला F is equal to MA, F is equal to KX. तो MA is equal to KX हो गया, A is equal to this. ये तो हमको पहले भी पता था. हमने बोला यहाँ से K by M is equal to A by X. K by M तो omega होता है, या root omega, whatever, right? Under root k by m is omega. K by m is omega square. So k by m, omega is equal to this. Time period is 2 pi by omega. So इसके बदले हमने ऐसे डाल दिया. Yes, which is nothing but 2 pi upon square root of acceleration per unit displacement. बस यहाँ पर simple pendulum होता है बच्चों, खत्म. कुछ भी नहीं है, simple pendulum एकदम आसान चीज. Everybody sorted है, समझ में आया क्या सबको? Yes sir. कोई दिक्कत है तो please. Yes sir. कोई भी छोटा मोटा दिक्कत है तो please go ahead. आगे बढ़ते हैं. No doubt sir. Second case for today, tunnel ले ले, tunnel through earth. देखो यार, थोड़ा hypothetical concept है. Yes, but अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, या फिर टनल थ्रू स्पेस, स्पेस में टनल बना के आप किसी और प्लैनेट पे चले जाओ, खैर आपने मूवीज में ऐसा कुछ देखा रहेगा, छोड़ दो अभी के लिए, फिलहाल थोड़ा स्टिक करते हैं टॉपिक को, है ना, ऑलरेडी लंबा होने वाला. ये है अर्थ. ये अर्थ में आप यहां से ऐसे एक टनल बना दो. ये है आपका कंट्री इंडिया, आप इंडिया में बैठे हो, और मान लो आपको इधर यूएसए में जाना है. यस, कहीं भी जाना है, मान लो इधर इंडिया है, इधर यूएसए, और यहाँ से आपने इधर जंप कर दी. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ टच करके रिटर्न चले जाओगे. एसएचएम हो जाएगा 84 मिनट्स के अंदर. टाइम पीरियड 84 मिनट्स के अंदर आप पूरा नीचे जा करके ऊपर वापिस आ जाओ. नॉट जस्ट हियर बच्चों, आप कहीं भी टनल बना दो अपने अर्थ के अंदर. अगर ऐसा फिनोमेनन पॉसिबल, हाइपोथेटिकल है, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे, हम लोग सिर्फ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का फैक्टर कंसीडर करते हैं, है ना. बनने को तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे, बट हम वो नहीं देख रहे फिलहाल. हम बोल रहे हैं कहीं से भी, कहीं पर भी, यहाँ से यहाँ ऐसे टनल बना दो. मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपने ये टनल बना दिया, आप यहाँ जा करके यहाँ रिटर्न आ जाओगे 84 मिनट्स के अंदर. Yes, 84, to be more precise, 84.6 minute. To be more precise, 84.6 minute के अंदर आप यहां से इधर जा करके आ सकते हो. आप कहीं पर भी टनल बना लो, ये टाइम पीरियड चेंज नहीं होता. ये टाइम पीरियड चेंज नहीं होता. आप मान लो यहाँ पे टनल बना दो अर्थ के अंदर,
ऐसे हियर अर्थ के अंदर ऐसा टनल बना दिया आपने, करेक्ट। तो आप यहां से अगर अपना मोशन शुरू करते हो, और पहले तो प्रूव करना है कि SHM होगा आपका, मतलब यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट इधर 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 SHM करते बैठेगा, टिक 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 चलता रहेगा उसको। और अगर SHM करेगा तो करेगा, SHM करेगा कैसे प्रूव होगा, F is equal to minus KX अगर आप प्रूव कर दो तो हो जाएगा SHM, ठीक है। और आपको प्रूव करना है टाइम, आपको फाइंड करना है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे और ये, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेप फाइंड द मीन पोजीशन। तो मैं जनरल केस लेता हूँ, पहले ये केस समझा देता हूँ, फिर चाहो तो ये केस भी समझा दूंगा इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है ना। देखो यहाँ ये है अर्थ, अर्थ के यहां पर हमने बना दिया एक टनल, आपको बोल रहे हैं कि भैया मीन पोजीशन पहले तो फाइंड आउट करके बताओ। इस टनल के अंदर ये मेरा पाथ है ना, यहाँ पे SHM होने वाला है, मान लेते हैं होगा, मान लेते हैं होगा, तो मीन पोजीशन कहां पे होगा। देखो यार यहां से आया, यस ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ, यहां पे अगर मैं आ जाऊं तो मेरा मोशन नीचे की तरफ होने लगेगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी मुझे नीचे की तरफ खींचेगा, बहुत अच्छा, यस। तो यहां तक ग्रेविटी खींचता रहेगा, फिर यहां पे जब मैं पहुंचूंगा सेंटर पे, जब मैं सेंटर पे पहुंचूंगा क्या मैं वहां रुक जाऊंगा, नहीं, मेरे पास कुछ वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी के चलते मैं आगे चला जाऊंगा। जैसे ही बच्चों मैं आगे चला जाऊंगा, जैसे ही मैं आगे चला जाऊंगा, सेंटर मुझे अपनी तरफ दोबारा खींचेगा विद ग्रेविटी जी, है ना, जी डैश ग्रेविटी से वो मुझे दोबारा ऊपर की तरफ खींचेगा, यस। मैं यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचूंगा और मेरा स्पीड फिर जीरो हो जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और फिर ये सेंटर की तरफ मुझे अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। और ऐसे ऐसे करते करते मेरा SHM होगा। अब इन सब चीजों में नेट फोर्स जीरो किधर है भैया, ये है मेरा सेंटर, सेंटर पे क्या कहानी है, सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो होती है, क्या ये हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, पढ़ा है, पता है मुझे, यस, कोई नहीं बोला, yes। तो सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो, जी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है ना, मतलब ये मेरा मेन पोजिशन, मेन पोजिशन। क्या सबको समझ में आया कि सेंटर ऑफ अर्थ मेरा मेन पोजिशन कैसे हुआ, एवरीबडी कोई डाउट इसमें, किसी को इसमें कोई दिक्कत, नो सर, नो सर, पक्का, नो सर, ग्रेट। आ जाओ अब हम चालू करते हैं हमारा डेरिवेशन टाइम पीरियड के लिए, पहले हम प्रूव करेंगे SHM में, फिर टाइम पीरियड, ओके। नाउ दिस इज माय अर्थ और इसके अंदर मैं बनाता हूं एक टनल, और टनल की कहानी, ओके। क्या बोला था हमने, मीन पोजीशन फाइंड आउट करो, हमने कर ली मीन पोजीशन फाइंड आउट, हमने बोला ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे ले जाकर रख दो, ये लो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर ले जाकर के रख दिया, ठीक है, और उसको एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा धक्का मारो कहीं पर भी, कहां मारोगे धक्का उसको, इधर मार दो, इधर धक्का मारो, डिस्प्लेस इट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स, मान लो मैं उसको यहां से इधर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं बाय अ डिस्टेंस एक्स, बाय अ डिस्टेंस एक्स, तो यहां पर उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी, जी डैश, यस और नो, उस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ, इस पॉइंट पर उस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ, इस पॉइंट पर उस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ, बस एक ही फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा जो उसको अर्थ की तरफ खींचेगा, और कोई फोर्स है क्या, नहीं, एम जी डैश, जी नहीं होगा, जी डैश होगा, लेफ्ट में है ना, कुछ कुछ नीचे है, यस। तो भैया यहाँ पर जो एफ नेट है ना, यहाँ पर जो एफ नेट उस पर एक्ट होने वाला है आपके डिस्प्लेसिंग डिस्टेंस एक्स, दैट इज नथिंग बट एम जी डैश। क्या ये सब लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या भैया, यस, कम ऑन, इज देयर एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नो अदर फोर्स, यस, ना कोई नॉर्मल रिएक्शन है, ना कोई फोर्स है, नथिंग, बस एक ही फोर्स उसको नीचे खींचेगा सेंटर की तरफ, एम जी डैश, यस, वेरी गुड। अब मान लो ये अर्थ है, मान लो, सॉरी,
अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और यहां से आर डिस्टेंस पे जी डैश ग्रेविटी कितना होता है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, फॉर्मूला बताओ, जी डैश इज इक्वल टू, भूल गए बच्चे, जी आर अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अरे ग्रेविटी एट द डेप्थ डी वाला फॉर्मूला लगा देना, यस, तो यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर जी आर बाय आर आपको मिलेगा, तो मैं यहां रख देता हूं एम इंटू जी आर बाय आर, जी आर बाय आर, बहुत अच्छे। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या किया, एवरीबॉडी करेक्ट? लेकिन यहां पर मेरा आर क्या है, एक्स है, एक्स एक्स डिस्प्लेस किया ना मैंने उसको, तो मैं यहां लिखूंगा एम जी बाय आर इंटू एक्स, इन दिस केस आर इज माई एक्स, सेंटर से एक्स के डिस्टेंस पे, सेंटर से x के डिस्टेंस पे ग्रेविटी कितना होगा, इतना होगा, सो f, तो बताओ f इज इक्वल टू एम जी बाय आर इंटू एक्स, ये तो भैया कांस्टेंट है, और क्या मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा दूं, हाँ क्यों लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ और फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, तो क्या ये मेरा हो गया F is equal to minus kx के बराबर, हाँ, where in this example k is equal to mg by r। क्या सारे बच्चों को समझ में आया, इससे प्रूव होता है कि ये एक SHM है, अगर आपको बोले प्रूव दैट इट इज SHM तो आप यहां तक सॉल्व करके छोड़ो, F is equal to minus kx प्रूव करना होता है SHM के लिए, yes? कोई दिक्कत किसी को, Come on guys, कुछ भी है तो अभी पूछो, so that, yes, come on, t is equal to 2 pi under root m by k, तो ये हो जाएगा 2 pi under root m by k की value mg by capital R, 2 pi under root m से m कटा r by g, yes, और यहां से अगर आप radius of earth की value डाल दो, ये formula हो गया आपका, This is your formula. Radius of Earth 6400 kilometer या 6.4 into 10 raised to 6 meter और g की value 9.8 डाल करके solve करो तो आपको मिलेगा 84.6 minutes. Yes, that is the time period of SHM Earth के अंदर. Go through it. Tell me if you have any query. आप चाहो तो हम एक और चीज देखते हैं. देखो दूसरा tunnel लेते हैं. Not through the center, center के अलावा कहीं पर भी एक लेते हैं, सिंपल वाला टनल बनाता हूं जहां पर आपको एक्सेलरेशन समझना आसान हो, चाहो तो मैं ऐसा टनल भी बना सकता हूं, ऐसा टनल भी बना सकता हूं, लेकिन हम सिंपल बनाएंगे, बट ऐसा रखेंगे जो सेंटर से पास नहीं होता, सेम लॉजिक हर तरफ एप्लीकेबल रहेगा, मान लो मैं यहाँ पे टनल बना देता हूं, ध्यान दो अच्छे से, मान लो मैं यहाँ पर टनल बनाता हूं और ये है मेरा सेंटर, जब मेरा समझो बात को समझो, ठीक है बात को धीरे धीरे समझो, जब मेरा मास यहां पर है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन किधर एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर इसका एमजी एक्ट हो, है ना, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर जी है, अरे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, नीचे नहीं होता एमजी, ये अर्थ है, आप यहां पर खड़े हो तो mg सेंटर की तरफ होता है, ये देखा हमने बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं होगा इधर mg ना, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, बहुत अच्छे, तो बच्चों अगर टुवर्ड्स द सेंटर mg है और मैं मान लू कि ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का कंपोनेंट नीचे की तरफ सिर्फ g cos थीटा है, जिस वजह से उसका स्पीड भी कम हो जाएगा, Yes, तो डिस्टेंस कम है तो स्पीड भी कम है तो टाइम उतना ही लगा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखो, है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो अभी भी mg इधर की तरफ है और नीचे की तरफ और थीटा भी चेंज हो गया, देखो ये थीटा वन है थीटा टू है, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या हो जाएगा mg cos थीटा टू, मान लो ये थीटा वन, बट द पॉइंट इज एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इस पे फोर्स किधर लगेगा mg इधर की तरफ
अब सेंटर में एक फोर्स लगेगा, मान लो इस एंगल को मैं थीटा थ्री बोल दू, जो भी एंगल रहेगा, तो mg cos थीटा थ्री से सेंटर की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ यहां पर पूरे सिनारियो में इक्विलिब्रियम कहां पर है? इक्विलिब्रियम तो भैया बताओ कहां पे आएगा बच्चों इक्विलिब्रियम? एनीबडी? इस पूरे टनल में थीटा 90 डिग्री होगा। वेरी गुड, थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा मतलब ये सेंटर पे पहुंचेगा वहां इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा mg टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? और ना वो ऊपर जा सकता है ना नीचे। अरे मुझे बताओ ऊपर खींचने के लिए कोई फोर्स है क्या? नहीं है, कोई खींच ही नहीं रहा है उसको ऊपर, है ना? कोई नीचे खींच रहा है क्या? नहीं, कोई खींच ही नहीं रहा है उसको नीचे, बाकी नहीं। वेरी गुड, तो वो वहीं पे रहने वाला है। आप बोलोगे वो इधर चला जाएगा, जा नहीं सकता। देखो यहाँ पर mg, तो यहाँ ये अर्थ का सरफेस है जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा के उसको रोक देगा, मतलब वहां पर वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, मतलब ये पोजिशन उसकी मीन पोजिशन है ना, मतलब ये पोजिशन उसकी मीन पोजिशन है। क्या सब लोगों को ये समझ में आया कि ये उसकी मीन पोजिशन है? एवरीबडी? यस यस सर। अब अगर टाइम पीरियड और SHM प्रूव करना है आपको, तो मैं सारे स्टेप्स रिपीट करूंगा, ध्यान देना अच्छे से। तो हम जाएंगे मीन पोजिशन पे, वेरी गुड, और वहां से ऑब्जेक्ट को धक्का मार देंगे x, है ना? इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का मार दूंगा और x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है? अब इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ mg, mg नहीं mg डैश, mg नहीं mg डैश, नॉट एग्जैक्टली g ना, हाँ यहाँ पर भी डैश डैश है ना, यहाँ mg डैश, व्हाटएवर, राइट? क्योंकि थोड़ा अंदर है ना, सो mg डैश सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और कुछ नहीं। और मान लो ये डिस्टेंस है मेरा r, प्लीज ध्यान दो अभी x अलग है r अलग है, पिछले केस में x और r सेम था, यस x और r सेम था क्योंकि सेंटर से लिया था ना हमने, यहां पर ये रेडियस है, ये रेडियस है उस ऑब्जेक्ट का, है ना? मान लो ये उसके लिए अर्थ हो गया ना ऐसा, तो दिस इज द रेडियस, ठीक है? इसको हटा और x डिस्टेंस, फाइन, और ये था मेरा पहले का इक्विलिब्रियम, ये 90, ठीक है? लेट्स टेक दिस एंगल एज थीटा, लेट्स टेक दिस एंगल एज थीटा, लेट्स टेक दिस एंगल एज थीटा। चलो अब इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ, f इज इक्वल टू mg डैश cos थीटा, हां कि नहीं? देखो जब ये इस पोजीशन में है, इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, That is mg dash cos theta. किसी को कोई दिक्कत इसमें? सिर्फ एक फोर्स नीचे जो उसको सेंटर की तरफ, नो सर, दैट्स इट। तो वो SHM करेगा, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैं g dash, what is g dash equal to? अभी अभी देखा हमने gr by r, gr by r, so m into gr upon r cos theta, ठीक है? इस ट्रायंगल को उठा लो, इस ट्रायंगल को उठा दो, कहाँ उठाओ, कहाँ उठाओ, यहाँ रख रहा हूं, ये है मेरा थीटा, ये है x और ये है r। बच्चों व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू? cos थीटा इक्वल टू x by r, तो डाल दो mg r upon r into x by r, r से r घटा, mg r into x, f is equal to mg by r into x। मैं यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये मेरा हो गया kx, f is equal to minus kx where k is equal to mg by r, time period is equal to 2 pi under root m upon mg by r, m से m कटा, t is equal to 2 pi under root r by g, 2 pi under root r by g, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे मिलेगा 84.6 minutes। रीजन ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन इज लेस, यस, मतलब उसकी स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे, राइट? तो इतना एक्सेलरेशन पहले बार था उतना नहीं है, तो एक्सेलरेशन कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ गया इवन आफ्टर द पाथ बीइंग स्मॉलर।
अब ये कॉर्ड है ना, एक सर्कल का कॉर्ड है, इसे अर्थ के अंदर एक कॉर्ड कट किया हमने, एक पाइप बना दिया, ये कहीं भी बनाओ लॉजिक सारा सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी एकदम एकदम सेम। शांति से गो थ्रू करो, कोई भी क्वेरीज आ रहा है तो पूछो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग। थर्ड क्या यूट्यूब करते हैं? यूट्यूब कैसा होता है देखो, ऐसा यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, ये वाटर वाला यूट्यूब, ऐसा यूट्यूब रहता है। वेरी गुड। अब इसमें कुछ चीजें समझ लो पहले। अब इसमें फ्लूइड्स का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ फ्लूइड्स, आई होप इतना सबको आएगा, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब को मैंने यहां तक फिल कर दिया, वाटर की लेवल यहां तक इसमें फिल कर दी, एंड दिस हाइट इज एल, दिस हाइट इज एल, यहां से लेकर के बॉटम तक का जो हाइट है वो एल, यहां से बॉटम तक का हाइट एल। अब हम क्या करने वाले हैं ना, अब हम यहां से प्रेशर लगाएंगे, एक पिस्टन लेंगे और पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये लेवल यहां तक नीचे आ जाएगा। हमने बोला कि हमने इसको x से डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस से हम उसको डिस्प्लेस। अच्छा, इज दिस द मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले जो था, पहले जो ड्रॉ किया हुआ था। अच्छा चलो, ये सब सॉर्टेड है, मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम है, सॉर्टेड, तो मेन पोजीशन हमने ढूंढ लिया। अब हमने बोला कि यहां से हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, हमने बोला x डिस्टेंस नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया, तो क्या यहां से x डिस्टेंस ऊपर जाएगा पानी? हाँ बिल्कुल, यहां से x डिस्टेंस पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझो, एक छोटा सा अजम्पशन, काइंड ऑफ अजम्पशन, यस, कि बच्चों अगर मैं इसको सीधा कर दूं ना, ये डिस्टेंस l ही है। आप बोलोगे सर कहां तक, अगर मैं इसको यहां से कट, बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये ऐसा सीधा हो जाएगा, तो इसका लेंथ फिर l से बड़ा हो जाएगा, ये सब बकवास नहीं करने, सही है, बट हम लोग मान रहे हैं कि ये कर्व बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मैं इसको सीधा भी कर लूं तो इसका लेंथ कुछ बहुत बढ़ेगा नहीं, ये बॉटम तक का जो लेंथ है वो एल है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला उस एल पे बनेगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो अगर ये पानी यहां से नीचे जाएगा तो यहां से ऊपर जाएगा, और जितना यहां से नीचे गया उतना यहां से ऊपर जाएगा, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात कर दिया। बोलो क्लियर है सबको, इतना इतनी चीज सॉर्टेड है? यस यस सर, यस सर। अब इसमें हम वही चार स्टेप्स लगाएंगे और प्रूव करेंगे, पहले कि वो SHM है, दूसरा उसका टाइम पीरियड भी निकालो। आ जाओ, मैं दोबारा से बना रहा हूं, वहां बस मुझे आपको बताना था कि L क्या होता है, X क्या होता है, ठीक है। इसको मैं यहां तक फिल कर रहा हूं, ओके, दिस इज माई मीन पोजिशन। स्टेप नंबर वन, मीन पोजिशन निकालो, हमने निकाल दिया। स्टेप नंबर टू, इसको यहां से प्रेशर लगाएंगे, तो बच्चों यहां से फोर्स लगाऊंगा, कुछ तो प्रेशर लगाया मैं, ना? ये यहां तक आया नीचे, दिस इज माई न्यू लेवल, रेड से बना रहा हूं न्यू लेवल, एक्स डिस्टेंस नीचे आया। अच्छा, अब देखो यार, ये भी एक्स है, इज दिस ऑल्सो एक्स, यस, और अब ये एक्स ऊपर चला जाएगा इधर से, तो ये लेवल ऊपर राइज होके यहां तक आ जाएगी, और ये लेवल भी x बन जाएगी, so this level is also x, and बच्चों ये लेवल भी x है, बराबर? Sorted है? क्या इतना समझ में आया सब बच्चों को? अब एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रेशर एट द सेम लेवल इज इक्वल, लिक्विड में प्रेशर एट द सेम लेवल इज इक्वल। तो बच्चों मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इक्वल प्रेशर रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा चलो, पहले तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, मैंने प्रेशर लगाया, डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, डिस्प्लेस किया छोड़ दिया, तो जब डिस्प्लेस किया तो बताओ इस पॉइंट पे, बी पॉइंट को डिस्प्लेस किया ना, देखो ये पॉइंट यहाँ पे था, ग्रीन वाले पॉइंट को देखो बच्चों, ये ग्रीन, यहाँ पे प्रेशर लगाया था, Yes, उसको छोड़ दिया। अब इस पे, इस पॉइंट पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बताएंगे मुझे, इस पॉइंट पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बताएंगे, yes, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा उसके ऊपर, P0, आगे नहीं,
अरे अब ऊपर कुछ नहीं है ना, ऊपर तो एटमोस्फियर है, सो ऊपर से एटमोस्फियरिक प्रेशर लगेगा, और बच्चों नीचे से अपथ्रस्ट लगेगा, ये लिक्विड का प्रेशर, बॉयंट फोर्स, यस बॉयंट फोर्स बोलो या लिक्विड का प्रेशर, ये लिक्विड इधर से जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर लगेगा, लिक्विड नीचे से जो प्रेशर लगाएगा वो, और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, तो मुझे बताओ एफ नेट कितना लगने वाला है पॉइंट बी के ऊपर, अरे पॉइंट बी को हम देखेंगे, पॉइंट बी ऊपर नीचे जा रहा है, राइट, ये पॉइंट बी था ना यहाँ पे वो ऊपर नीचे करने वाला है, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एरिया कौन सा फोर्स बड़ा रहेगा, ये नीचे वाला प्रेशर वो ऊपर जा रहा है ना, तो पी इज बिगर, पी इज बिगर, तो क्या मैं लिख सकता हूं पी ए माइनस पी नॉट ए, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक नीचे से बॉयंट फोर्स, एक ऊपर से, क्या सब लोगों को इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताओ गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक, इफ इज एवरीथिंग ओके, है ना, इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट बताना, हां कौन बोला वेदांत, वेदांत क्या चीज नहीं समझी ये बोलो, या कुछ भी नहीं समझा ये, मतलब क्या स्पेसिफिक चीज बताओ या सब कुछ बताओ, ये आपने जो एंड में लिखा ना वो बस ना। देखो पहले यहाँ पे था, हमने उसको प्रेस किया तो ये लिक्विड यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गया, वेरी गुड, अब इस पॉइंट पे मैंने उसको प्रेस किया और छोड़ दिया, जब मैं उसको छोड़ दूंगा तो उसपे एक्ट होने वाले नेट फोर्सेस बताओ, या नहीं भी छोड़ूंगा तो नेट फोर्सेस बताओ, छोड़ दिया ना मैंने, तो ऊपर से एक फोर्स प्रेशर, एटमोस्फियरिक प्रेशर, एटमोस्फियर उस पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लिखा मैंने, और नीचे से पॉइंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा पॉइंट पी, हाँ कि नहीं बोलो, समझ में आया क्या, पहले बताओ, फ्लूइड का प्रेशर, वेरी गुड, तो उस पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स क्या रहेगा, एक तो फोर्स एग्जर्टेड बाय एटमोस्फियर, यस है ना, लेकिन वो छोटा है, ये लिक्विड यहां से ऊपर जाएगा, तो एक तो फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ, माइनस फोर्स बाय एटमॉस्फेयर, बोलो समझ में आया, दिस इज द नेट फोर्स, पक्का, यस सर, वेरी गुड, फोर्स बाय लिक्विड इज प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, माइनस फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, ये चीज क्लियर हुई सब बच्चों को, एवरीबॉडी, हां सर, यस सर, अब मैं देखो यहाँ yes, मैं लिख रहा हूँ प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, देखो ये सी पॉइंट पे प्रेशर की बात चल रही है, एफ नेट एट पॉइंट सी, देखो सी पॉइंट पे आ गया ना वो, आप पहले बी पे था, आपने दबा दिया, सी पॉइंट पे आया, सो इन दोनों लेवल पे प्रेशर इक्वल रहेगा, प्रेशर इज सेम एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर इज सेम एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू पी, ये जो पी हमने लिखा, वेरी गुड, बच्चों टेल मी व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे प्रेशर बताओ, पॉइंट ए पे प्रेशर रहेगा एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर P नॉट प्लस H रो G, यहां से यहां इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर रहेगा H रो G, तो P यहां प्रेशर है P नॉट प्लस H रो G, विच इज नथिंग बट P नॉट प्लस रो G इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम विच इज 2x, इस लिक्विड कॉलम का पॉइंट ए पे प्रेशर है और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, सो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना हो गया P नॉट प्लस 2x रो जी, यस विच इज नथिंग बट ये P के बदले मैं लिख दूंगा P नॉट प्लस 2x रो जी इंटू ए माइनस P नॉट ए, बोलो बात समझ में आई, नहीं समझा होगा अभी पूछो बच्चों, एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो मुझे सी पॉइंट पे प्रेशर नहीं पता कितना है,
वेरी गुड, मुझे सी पॉइंट पे प्रेशर नहीं पता, बट मुझे ए पॉइंट पे पता है, जो ए पे रहेगा वही सी पे रहेगा क्योंकि सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है। अब मैं ए पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे ये देखो दिस इज प्रेशर एट सी, है ना, नीचे से ये प्रेशर सी पे, है ना, पी इंटू एरिया, यस, प्रेशर एट पॉइंट सी, प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे क्या प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम ऑफ 2x, वेरी गुड, व्हिच इज एच रो जी, पी नॉट प्लस रो जी इनटू 2x, पी नॉट प्लस 2x रो जी, यस, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा पी नॉट इनटू ए इज पी नॉट ए प्लस दिस इनटू ए इज ए रो जी 2x माइनस P not A, P not A से P not A गया, F net is equal to 2A rho GX, यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, नेट फोर्स ऊपर है, इसलिए, और बच्चों ये हो गया मेरा K, F is equal to minus KX, where K is equal to 2A rho G, hence it is SHM. Yes, अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड, t is equal to 2 pi under root m by k, which is 2 pi under root m upon 2a rho g, 2a rho g, बोलो समझ में आया क्या सारे बच्चों को? Yes sir. Everybody. Yes sir. Very good. अब m क्या है? m तो मुझे नहीं पता. What is m? Mass. लिक्विड, ये जो लिक्विड है ना इसका मास, ये जो लिक्विड है ना इसका मास, अरे कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, कितना लिक्विड एसएचएम कर रहा है, वो एक्स वाला, वेरी गुड, अब वो तो मुझे पता नहीं क्या है, यस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू, बच्चों इतने का वॉल्यूम कितना है, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, यस, इतने का वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यस, अरे वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, क्या ये सबको पता है, एवरीबडी, यस, तो वॉल्यूम का बेस एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और हाइट है एक्स, तो ये हो जाएगा रो ए एक्स, है ना, रो ए एक्स, ये डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट रो, अच्छा अब और एक चीज ध्यान दो, अब यार एक्स नहीं चाहिए अगर मुझे, यस, तो एल लेना पड़ेगा क्योंकि, अच्छा एक एक्चुअली क्या हुआ ना, हमने बोला कि इतना लिक्विड एसएचएम कर रहा है, एक्चुअली उतना लिक्विड कर रहा है क्या, ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, नहीं तो छोड़ता, कितना लिक्विड एसएचएम कर रहा है, एक्चुअली पूरा लिक्विड एसएचएम कर रहा है, हमको दिख रहा है इतना, लेकिन देखो ना यहाँ पे एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल भी इधर गया, यहाँ पे एक पार्टिकल था वो भी इधर गया, यहाँ का पार्टिकल भी इधर गया, तो एक्चुअली सारा के सारा लिक्विड एसएचएम कर रहा है, लेंथ एल का लिक्विड पूरा के पूरा एसएचएम कर रहा है, लेंथ एल का यहां से यहां तक का पूरा लिक्विड एसएचएम कर रहा है, देखो गाइस ये पूरा लिक्विड यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये पूरा इधर 2L का नहीं L लेंथ का लिक्विड SHM कर रहा है, क्या ये सबको रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार पूरा के पूरा लिक्विड इतना पूरा इधर जाएगा इतना पूरा इधर जाएगा, तो अगर मास पूरा के पूरा मास लेंगे हम, मास इज इक्वल टू रो वी इंटू एल, यस इंटू एल, दैट इज रो ए इंटू एल, रो ए इंटू एल, अच्छा क्या मैं ध्यान दो ये पेज इसीलिए मैंने खाली छोड़ा, ठीक है, देखो ऐसा पॉसिबल था क्या कि यहां से यहां तक का लिक्विड अगर है, अगर इतना ही लिक्विड है, मान लो बच्चों इतना लिक्विड है, यहां पर मैंने एक 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 कुछ बंद करके रखा है, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको खोलू ये पूरा जो मेरा लेंथ है, ये पूरा जो मेरा लेंथ है ये पूरा इधर निकल के यहां तक जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, है
अरे ये लेंथ इधर से निकल के यहाँ जाएगा तो आधा आधा हो जाएगा, क्या सबको समझ में आ रहा है? यस एवरीबॉडी, क्या सबको समझ में आ रहा है? ये लिक्विड इधर चला जाएगा, फाइन। यस मतलब ये पूरा कॉलम SHM करने के लिए यहाँ आ गया, फाइन। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, देयर इज नोबडी हियर। लेकिन अगर बच्चों मतलब ये L तो पूरा SHM कर रहा है, ये इधर का L तो पूरा SHM कर रहा है। अब मैं पहले से मान लेता हूं कि इसमें इतना लिक्विड भरा है, तो ये L तो SHM कर ही रहा है, क्या यहाँ वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है? हाँ। क्या यहाँ वाला भी ऊपर जा रहा है? यस। तो मतलब ये L भी SHM कर, ये इधर का पूरा लेंथ भी ऊपर जा रहा है, इधर का पूरा लेंथ भी इधर जाएगा। जब उल्टा फ्लो होगा तो पूरा लिक्विड SHM कर रहा है, पूरा के पूरा लिक्विड SHM कर रहा है। तो मैं यहाँ L भी नहीं, मैं यहाँ पे 2L लिखूंगा। बेस एरिया इनटू हाइट, पूरा के पूरा लिक्विड कॉलम SHM कर रहा है। वेयर इनिशियली ये जो था हमारा, ये L है। क्या सब बच्चों को ये समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। पूरा के पूरा मास, पूरा के पूरा लिक्विड SHM करेगा, तो मेरा मास क्या हो जाएगा? मेरा मास हो जाएगा रो इंटू ए इंटू टू एल, रो इंटू ए इंटू टू एल डिवाइडेड बाय टू ए रो जी। यहां से क्या कट रहा है देखो, टू से टू कटेगा, ए से ए कटेगा, रो से रो कटेगा, और मेरा फाइनल आंसर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर अ यूट्यूब। Yes, once again, यहां ध्यान दो everybody, once again, आराम से, ठीक है? ये YouTube बहुत अच्छा, इसमें हम लिक्विड भर देते हैं, पूरी कहानी वापस बता रहा हूं, है ना? सो ध्यान से समझो, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, यहां ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसको हमने प्रेस किया x डिस्टेंस प्रेस किया, तो भैया ये x डिस्टेंस नीचे आएगा, ये यहां पर पहुंचेगा, यहां जो पॉइंट था वो यहां पर पहुंचेगा। अब खाली है, ऊपर खाली है, राइट? इस लेवल से ये चीज यहां तक चली जाएगी, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। और पहले का ये लेवल था, तो ये डिस्टेंस भी x हो गया, वेरी गुड। इस पॉइंट पे पॉइंट C और इस पॉइंट पे पॉइंट A पे प्रेशर सेम होता है, द प्रेशर एट द सेम लेवल इज इक्वल। अब मैंने इसको x कंप्रेस किया और छोड़ दिया, जब मैं उसको छोड़ूंगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा। कितना होगा वो नेट फोर्स? एक फोर्स लिक्विड लगाएगा नीचे से, फोर्स बाय लिक्विड ऊपर की तरफ, माइनस फोर्स बाय एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ। लेकिन लिक्विड तो हमारा ऊपर जाएगा, मतलब फोर्स ड्यू टू लिक्विड इज मोर। इसको हमने बोला P into area of cross section A minus P not into area of cross section A. Very good. अब मुझे यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट C नहीं पता, तो हमने बोला प्रेशर एट पॉइंट A इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट C। A पे प्रेशर कितना है? एटमोस्फियरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। देखो, एक तो यहां पर A पॉइंट पे एटमोस्फियर ऊपर से प्रेशर लगा रहा होगा, प्लस ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर H रो जी, विच इज नथिंग बट P नॉट प्लस H की वैल्यू है 2x रो जी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया P नॉट प्लस 2x रो जी इनटू A माइनस P नॉट A। सो बच्चों, P नॉट A से P नॉट A कटेगा, 2x रो जी A बच गया। यस, 2 रो जी A x बच गया। F इज इक्वल टू माइनस साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा F is equal to minus kx, A is equal to 2 rho g A, है ना? तो यहां से मुझे मिलता है मेरा टाइम पीरियड 2 pi under root m by 2 rho g A। हमें बोला मास तो पता नहीं हमको कितना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो रो है, यस, लिक्विड का डेंसिटी रो मान लेते हैं, राइट? और वॉल्यूम कितना है? पूरा के पूरा लिक्विड SHM कर रहा है,
पूरा लिक्विड मतलब क्या, वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया विच इज नथिंग बट ए इनटू हाइट, इधर का एल हाइट और इधर का एल हाइट, पूरा लिक्विड ऐसे ऐसे चल कर रहा है, तो हमने बोला हाइट इज 2L, सो 2 रो ए एल, डाल दो एम की वैल्यू, 2 पाई अंडर रूट 2 रो ए एल अपॉन 2 रो जी ए, ये तीनों गए, ये तीनों गए, वी आर लेफ्ट विद 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एस एच एम ऑफ यूट्यूब। तो देखो यहां से प्रूव होता है कि ये एस एच एम है, यहां से प्रूव होता है कि ये एस एच एम है, पर अगर एस एच एम है तो ही मैं टाइम पीरियड निकालूंगा आगे बढ़ करके। क्या सारे बच्चों को हर एक चीज क्लियर हुई? एवरीबॉडी कम ऑन, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। अब अगर यूट्यूब समझ में आ गया तो मैं वी शेप का ले लूं, हाँ यस, टेल मी सर, इसमें मीन पोजीशन क्या है? वन सेकंड, अरे मीन पोजीशन के बाद में, पहले शुरू में जहां पर वो था रेस्ट पे, दैट इज माय मीन पोजीशन, आखिरी में वहीं पे आके रुक जाएगा ना, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करेगा और जहां शुरू किया था वहां, सो दिस इज माय मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जाकर के मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो नीचे गया, ऐसे 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 करेगा ऊपर नीचे, ठीक है, समझ में आया? यस सर, एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों एक वी ट्यूब, वी 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 शेप का ट्यूब लेता, अब ध्यान दो अच्छे से, इसमें मैंने भर दिया एक लिक्विड थोड़ा सा, यस, क्या ये लिक्विड का हाइट दोनों तरफ से सेम रहेगा? हाँ, अरे ये सेम लेवल पे आके रुकेगा लिक्विड, ऐसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पार्ट अच्छे से किया भी है, ओके, चल तो ये यहां तक आके रुकेगा लिक्विड ऐसे, इज दिस द मीन पोजिशन? यस, शांति से बैठा है, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये एग्जैक्ट भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है, मैंने इसको ऐसा भी बना है, मतलब ये एंगल कुछ और है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा वन, और ये एंगल कुछ और है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा टू। ध्यान से समझो, सबसे कॉम्प्लेक्स केस बना के दे रहा हूं, यस, ओके, वन सेकंड, हाँ अच्छा ब्रेक चाहिए क्या बच्चों को? ब्रेक चाहिए, यस, ड्राइंग वापस बना रहा हूं, मैंने इरेज किया था ड्राइंग, बोला वापस बना के बता ना। तो आपके पास एक ऐसा वी शेप का ट्यूब है, ओके, कुछ इस तरह से, आपने इसमें एक लिक्विड भर रखा है, स्टार्टिंग में मान लो बच्चों कि थोड़ा बड़ा बनाओ, क्या है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इधर से, यस, मान लो स्टार्टिंग में यहां तक उसमें ऐसा लिक्विड, स्टार्टिंग में दिस इज द लेवल ऑफ लिक्विड इन इट, ठीक है, यस, इज दिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन? जी हाँ, ये मीन पोजीशन है, इस एंगल को मैंने बोला थीटा वन, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा टू, एक एंगल थीटा वन, एक एंगल थीटा टू। अब क्या करना है, अब इसको x से डिस्प्लेस कर बच्चों, मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना, मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो क्या ये लिक्विड कॉलम नीचे चला जाएगा? आपको समझने के लिए आसान बने तो फिगर को कुछ ऐसे बना दूं क्या, ताकि आपको समझने में आसान। अच्छा ऐसा नहीं है लिक्विड, अरे लिक्विड ऐसा रहता है क्या? स्ट्रेट, स्ट्रेट है, यस सर, स्ट्रेट है ना, मैं चाहूं तो स्ट्रेट से भी बना दूं, बस कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, है ना बच्चों, स्ट्रेट है लिक्विड, ऐसा ऐसा है इसमें, है ना, टेढ़ा थोड़ी ना रहेगा ऐसा, ठीक है। अब मैं जब इसको डिस्प्लेस करूंगा तो मैं इसको x से डिस्प्लेस करूंगा ऐसे, ठीक है, मैं यहां से फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस करूंगा, तो क्या ये लेवल यहां पे आ जाएगी कहीं? तो जी हाँ बच्चों, x क्या है ये देखो, x ये डिस्टेंस है, x ये डिस्टेंस है, और इसकी हाइट इतनी नीचे आ गया, इसका हाइट देखो कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, है ना। तो अगर गाइस मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे, दिस एंगल इज
थीटा, ये देखो ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल है ना, देखो ये कुछ इस तरह से है ना, दिस एंगल इज थीटा, ये है x, तो ये क्या हो जाएगा x sin थीटा 2, थीटा 2 एंगल है ना, तो ये कितना नीचे आ जाएगा हाइट में, x sin थीटा 2 नीचे आ जाएगा। क्या सब बच्चों को ये समझ में आया, एवरीबॉडी एवरीबॉडी कि ये x sin थीटा 2 नीचे आने वाला है, yes, x sin थीटा 2 नीचे आने वाला है, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यस सर, Yes? Yes, sir. Okay. अब देखो yes, ये यहां तक पहले से था, ये सेम हाइट हो गया है ना, दिस इज द सेम हाइट, अब ये यहां से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, भैया कितना ऊपर जाएगा, x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, x डिस्टेंस ऊपर जा करके यहां तक चला जाएगा यार, लेकिन इसकी हाइट कितनी चेंज हो जाएगी, इसकी हाइट चेंज हो जाएगी x साइन थीटा 1, हाँ कि नहीं, देख लो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, वो ये x है ये थीटा 1 है, तो ये हो जाएगा x sin थीटा 1 है ना, सेम सेम लाइक दिस, ये हो जाएगा x sin थीटा 1, वेरी गुड। अब मैं बोलूंगा प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सेम, ध्यान दो, यस, जब मैं उसको डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे सेम वेरिएबल्स लेता हूं, यहां a ये c ये b, B पे फोर्स लगाया, यस, सो नेट फोर्स ऑन C इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऊपर की तरफ माइनस फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ, लेकिन लिक्विड ऊपर जाएगा तो वो फोर्स बढ़ा, बोलो कितना है, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यस, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब पॉइंट C पे मुझे प्रेशर नहीं पता कितना है, बट प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, वेरी गुड, ये दोनों तो सेम लेवल पे है, प्रेशर एट पॉइंट ए कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, बहुत अच्छा बच्चों, दिस इज द हाइट एच, वर्टिकल हाइट लेते हैं हमेशा एच रो जी के लिए, तो ये वर्टिकल हाइट कितना है, ये वर्टिकल हाइट है एक्स साइन थीटा 1 प्लस एक्स साइन थीटा 2, बचा सेम टू सेम, देखो ये हाइट x sin थीटा 1, सो दिस हाइट इज x sin थीटा 1 एंड दिस हाइट इज x sin थीटा 2, तो ये टोटल h क्या हो गया, x sin थीटा 1 प्लस x sin थीटा 2, तो मैं यहां से लिख दूंगा p नॉट प्लस x sin थीटा 1 प्लस x sin थीटा 2 इनटू रो जी। क्या सब बच्चों को ये समझ में आया, या इसको जूम करके थोड़ा सा और सिखाओ अच्छे से, जूम करके और थोड़ा अच्छे से सिखाना है तो प्लीज वैसे भी बताओ बच्चों, देखो पहले इसकी लेवल यहां तक थी, इसकी लेवल यहां तक थी, थोड़ा ऊपर ले, थोड़ा ऊपर इसकी लेवल, देखो यहां तक, यहां तक दोनों की, हमने इसको x नीचे डिस्प्लेस किया, हमने इसको x नीचे डिस्प्लेस किया, बढ़ा लेते x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, वेरी गुड बच्चों, अगर ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये हाइट कितना हो गया, देखो ये x डिस्टेंस है ना, ये हाइट इतना है और दिस एंगल इज हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, कौन सा एंगल है, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है थीटा 2, तो क्या ये एंगल हो जाएगा थीटा 2, यस, अरे ये ट्रायंगल को सीधा करके बना दिया था यार मैंने, हम हटा दो इसको, yes, sir. ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, ये थीटा 2 हो जाएगा, ये h, ये x, ठीक है, चलो तो इसको ऐसे बनाया बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ये h1 बोल दूं क्या, इसको h1, h1 बोल दूं, तो यहां से बोलो h1 कितना हो जाएगा, x sin थीटा 2, करेक्ट, वेरी गुड। तो भैया पहले यहां तक ये लेवल, ये लेवल तो ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट है मेरा h1, ये हाइट है मेरा h1, और यहां से ये लिक्विड अब x ऊपर जाएगा, देखो पहले यहां तक था, यहां तक लिक्विड था बराबर, यहां से x ऊपर जाएगा, तो यहां से भैया ये लिक्विड x ऊपर चला गया, x ऊपर चला गया, यस, यहां तक लिक्विड आ गया, वेरी गुड,
है ना। अब मुझे ये हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट मुझे फाइंड करनी है, h2, so this is theta 2, तो h2 कितना हो जाएगा, x sin theta 1, sorry, theta 1 लिया ना हमने इसको, x sin theta 1, so this angle for me is theta 1, very good. अब ये पॉइंट ले लो पॉइंट ए, इसके ऊपर प्रेशर बताओ, प्रेशर एट पॉइंट ए इज यहां से एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पी नॉट प्लस इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, ये इतना लिक्विड है ना यहाँ पर, इतना पूरा लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जो प्रेशर है ना उसका वर्टिकल हाइट लेना होता है, लिक्विड कॉलम का वर्टिकल हाइट, तो बच्चों लिक्विड कॉलम का वर्टिकल हाइट कितना हो गया h1 प्लस h2 है ना, विच इज x sin theta 1 प्लस x sin theta 2 into rho g, rho g h, बोलो आप समझ में आया सब बच्चों को, एवरीबॉडी यस सर, यस सर, अभी ऐसे आवाज आ रहा है, डाल दो फिर इसमें ये वाला प्रेशर इसमें डाल दो, तो बच्चों f net कितना हो जाएगा मेरा, यस p into, ये p की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा p not, यस p not प्लस x sin theta 1 प्लस x sin थीटा 2 इनटू रो जी, ये पी की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाय ए, तो मैं यहीं पे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी ए से, इसको भी ए से, माइनस पी नॉट ए, पी नॉट ए से पी नॉट ए कटा, मेरे पास बचता है एफ नेट इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान दो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इनटू रो जी ए एक्स, यस वेयर दिस इज माय कांस्टेंट के, where k is equal to sin theta 1 plus sin theta 2 into rho g a, है ना, therefore it is SHM, क्या ये सब constant है, of course ये सब कुछ constant है, minus लगा दूंगा मैं, minus क्यों लगाया, क्योंकि force और displacement opposite direction, क्या सारे बच्चों को समझ में आया सारा scene, everybody, yes sir, हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय रो जी, रो जी ए, रो जी ए, बहुत अच्छे, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, मास, मास तो मुझे पता नहीं, तो मास के बदले हम कुछ तो करेंगे, बोलो क्या इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अब डेंसिटी तो डेंसिटी है, व्हाट इज माय वॉल्यूम, बेस एरिया इनटू हाइट एल, 2l, ये देखो हाइट क्या है मेरा, ये अरे इधर बताया हाइट को एल, एल कहां से बताऊं मैं आपको, कैसे एल बताऊं, ये था ना ये, ये एल, ये एल, यस स्टार्टिंग में जो रहता है ना बच्चों, स्टार्टिंग में यहां तक था ना, यहां तक दोनों में देखो यहां तक था स्टार्टिंग में, सो दिस इज माय एल, तो इधर का भी एल, इधर का भी एल, ऐसे वाइब्रेट ऐसे मान लो आप उसको, ठीक है, सो ये डाल दो, कहां डालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट रो ए 2 एल अपॉन sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 into rho g a, ठीक है, क्या क्या कट रहा है, rho a, rho a, what are we left with, yes, और कुछ कट रहा है क्या बच्चों, anything else, 2 l g, yes, nothing, no sir, ठीक है, तो इसको ऐसे छोड़ दें, यहीं पे छोड़ दें, actually ये भी करने की जरूरत नहीं है, yes, आप यहाँ पे छोड़ दें, sin theta 1, sin theta 2 को substitute नहीं कर सकते क्या h1 h2 में, हाँ कर दो, करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट नॉट रिक्वायर्ड, ये एंगल दिया रहेगा क्योंकि आपको, क्योंकि आपको ये दोनों एंगल्स दिए रहेंगे, ये दोनों एंगल्स दिए रहेंगे, ठीक है ना, नीट में गलती से भी नहीं आना है, टेंशन गलती से भी नहीं, गलती गलती बाय मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं होगा, नीट में नहीं आएगा, ठीक है, यही मेंस में भी शायद आया एडवांस लेवल का टॉपिक, ठीक है, चलो परफेक्ट, है ना, तो ये चीज यहाँ पे ये फॉर्मूला बन के सामने
क्या सब लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ? अब छोड़ दो इसको, ये वॉल्यूम मास सब्स्टिट्यूट मत करो, है ना, ये भी भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये एल एल भूल जाओ, भूल जाओ, फॉरगेट दैट, है ना, वो एल है ये भूल जाओ. दिस इज योर फॉर्म, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला. मास एम दिया जाएगा, इसमें टेंशन मत, राइट, मास एम दिया जाएगा, नहीं दिया जाता है तो आप वॉल्यूम निकाल लेना उसका, ओवरऑल टोटल वॉल्यूम निकालने का मेथड रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट लेकर, ठीक है ना. सो दिस इज द, इज दिस सेम एज यूट्यूब? हाँ, देखो अगर मैं इसको यूट्यूब मान करके सॉल्व करूं ना तो मेरा आंसर सेम आएगा. देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है मेरा, आ जाओ. सी ये यूट्यूब है, प्लीज ध्यान दो, इसको मैं वी की तरह ट्रीट करूं, अगर इसको मैं वी की तरह ट्रीट करूं, यस, तो ये है मेरा एंगल थीटा वन विच इज इक्वल टू 90 degree, और ये है मेरा एंगल थीटा टू विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90 degree, है ना. तो मेरा फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2π√n अपॉन, बोलो साइन थीटा वन क्या होता है, साइन 90 बराबर विच इज 1 प्लस साइन थीटा टू विच इज 1 इंटू क्या था वो, इंटू रो जी, व्हाट वाज दैट, रो ए जी, वेरी गुड. तो ये हो गया 2π√m/2ρAg. चेक करो तो यूट्यूब में यही आया था क्या हमारा, यस, m अपॉन सर m को सब्स्टिट्यूट किया गया था. अरे वो तो बाद में ना, वो m पर ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये चेक करो ना आप, ये यस सर, है ना. तो परफेक्ट, मतलब यूट्यूब का एक जनरल केस हमने वीट्यूब बना करके ले लिया, है ना. तो व्हाट इज दिस वीट्यूब, दिस इज जनरल केस, जनरल केस है, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल चालू है, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो फिर अगले टॉपिक पे जाइए, कोई डाउट है तो पूछो. कितने की था यूट्यूब, वाज आवर थर्ड, राइट, तो ये वीट्यूब वाज आवर फोर्थ, और एक और लेते हैं, SHM ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी, यस, ध्यान दो अच्छे से, यहां पर पानी है, वाटर है या कोई भी लिक्विड है ले लो जिसका डेंसिटी रो है, और इस लिक्विड में एक बॉडी फ्लोट हो रही है जो आधा पानी के ऊपर है, आधा पानी के अंदर है. ध्यान से, इसके अंदर एक बॉडी ऐसे फ्लोट हो रहा है जो थोड़ा सा पानी के अंदर है, कितना पानी के अंदर है, एल पानी के अंदर है, आधा नहीं है, एल, एल हाइट पानी के अंदर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला इससे बनता है. एल हाइट पानी के अंदर, पानी के अंदर उसका एल पार्ट है, उसका टोटल हाइट है एच, इस बॉडी का टोटल हाइट है एच, इस बॉडी का टोटल हाइट है एच, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इस लिक्विड का डेंसिटी है रो, है ना. ये अच्छे से शांति से यहाँ पे फ्लोट कर रही है, क्या ये मीन पोजीशन है? हाँ. अब मैं उसको ना ऐसे डुबुक से मारूंगा, तो जब मैं उसको ऐसे डुबुक मारूंगा तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चल करेगा. अरे ये तो यार हमारा नॉर्मल केस है ना यार, ये हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस भी किया. तो ऐसे बैठा है, मैं उसको थोड़ा सा पुश करूंगा तो वह ऐसे ऊपर नीचे करना चालू करेगा. हाँ, तो प्रूव करो कि वह SHM है और फिर उसका टाइम पीरियड निकाल करके बताओ. समझ में आया सिनारियो, समझ में आया सब बच्चों को? यस सर. बड़ी चाला. यस सर. तो ये हमारा लिक्विड बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना लेता हूं. इसमें पहले इतना पानी के अंदर था, अब ध्यान दो अच्छे से, एल हाइट पानी के अंदर था, इसका टोटल हाइट है एच, इसका टोटल हाइट है एच, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लिक्विड का डेंसिटी रो, और कुछ चाहिए क्या? ए रो एच एल. इसको एक्स से डिस्प्लेस करेंगे, इसको एक्स से डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉडी थोड़ा सा पानी के अंदर चली जाएगी, ऐसे ध्यान दो तो जरा, यस, ये बॉडी थोड़ा सा पानी के अंदर चली जाएगी, और जब अंदर चली जाएगी और उसको छोड़ूंगा तो उसपे एक पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा कटाक्ष से,
और एक उसका वेट नीचे की तरफ, देखो डोंट वरी, है ना। अब ये कितना पानी के अंदर हो जाएगी, पानी के अंदर हो जाएगा एल प्लस एक्स, एक्स से उसको डिस्प्लेस किया, एक्स से उसको डिस्प्लेस किया, इसको x सेंटीमीटर या x से नीचे ढकेल दिया, तो पानी के अंदर हो गया x प्लस एल, पानी के अंदर हो गया x प्लस एल। और इस पॉइंट पे उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले दो फोर्सेस हैं, एक है उसका वेट नीचे की तरफ mg और एक है अपथ्रस्ट। बाकी नहीं बोलो, क्लियर हुआ? कौन जीतेगा? अपथ्रस्ट जीतेगा, अपथ्रस्ट बड़ा रहेगा तभी तो वो बॉडी ऊपर जाएगी। तो मैं बोलूंगा उसमें एक्ट होने वाला नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट माइनस mg। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? v रो जी, v रो जी, वेरी गुड। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू v रो जी। व्हाट इज v? v is the volume of liquid displaced. What is v? v is the volume of liquid displaced. हाँ कि नहीं? Very good. तो मुझे बताओ, how much is the volume of liquid displaced? बच्चो, base area into height, that is l plus x. L plus x और ये rho into g, that is upthrust. जिसको पता नहीं है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है v रो g, where v is the volume of liquid displaced, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, a into l plus x rho g minus mg, minus mg। इसको सॉल्व करो तो जरा, तो ये हो जाएगा a l rho g plus a x rho g minus mg, minus mg। चलो क्या करें, ध्यान दो अच्छे से यहां पर। यस yes? क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों सेम है? देखो तो कैसे, यस सर, कैसे सेम हुआ? यस सर, कौन बोला? ध्यान दो, कैसे सेम हुआ? सर, ए एल इज वॉल्यूम एंड रो इज मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, है ना बच्चों? ये ए एल क्या है? ए एल रो जी, देखो ए एल रो जी को सॉल्व करो, ए एल क्या है? वॉल्यूम। यस, what is al? Volume into what is rho? Density is equal to mass upon volume into gravity। तो ये कट गया, तो ये दोनों सेम हो गया, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? a rho g x, that is my f net। टंटन, क्या ये तीनों कांस्टेंट है? मैं एक माइनस साइन लगा दूंगा एक्स्ट्रा का, तो ये हो जाएगा f net is equal to minus k x, where k is equal to a rho g। Everybody समझ में आया सबको? तो यहाँ पर मेरा टू पाई अंडर रूट m by k which is equal to 2 pi under root। अब m नहीं चलेगा मुझे, m नहीं चाहिए मुझे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। और हमने बोला टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता कहीं पे भी, तो मास को वहां से हटाना है, तो मास को वहां से कैसे हटाओगे? यस, रो ए एल, रो ए एल अभी जो किया था, तो मास के बदले में डाल दूंगा 2 पाई अंडर रूट रो ए एल। एवरीबॉडी, अरे कितना मास पानी के अंदर है? रो ए एल, और नीचे के की वैल्यू ए रो जी। ए से ए गया, रो से रो गया, बहुत अच्छे। हमारा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, परफेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ अ बॉडी इनसाइड अ लिक्विड, फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड। यहाँ पे ऐसा एसएचएम करेगा, एकदम सिंपल, एकदम आसान। क्या सब बच्चों को समझ में आया? Everybody, कोई दिक्कत? Yes, yes sir. अब इसके बाद एक टॉपिक बाकी है, angular SHM और springs वाला, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कल ये चैप्टर का थियरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन मैं यही एंड कर रहा हूँ।